बयान नंबर एक, बांग्लादेश की तरह यहां मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। बयान नंबर दो, ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें नहीं पता कि हसीना ने जो गलती की, ममता बनर्जी ने वो गलती नहीं की है। ये दो बयान महज बयान भर नहीं है, बल्कि इन बयानों में एक डर छिपा है। डर इस बात का कि कहीं ममता बनर्जी के साथ भी वही वाकया न दोहराया जाए जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ है। डर इस बात का कि कहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात के बाद पूरे देश में जो गुस्सा है वो अकेले ममता बनर्जी के ही खिलाफ न फूट पड़े। और डर इस बात का कि जिस बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, वही जनता ऐसी हैवानियत के वक्त चुप्पी साधने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ ना आ जाए। तो क्या ममता बनर्जी और उनके मंत्री का ये डर जायज है, या फिर ऐसी बयानबाजी का इकलौता मकसद हर उस आवाज को कुचलना भर है जो ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रही है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पश्चिम बंगाल के सबसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनी। हर बार उनके खिलाफ कुछ आवाजें उठी, वो उन आवाजों को कुचलती चली गई, सत्ता के शीर्ष की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। लेकिन तीसरी बार की सत्ता में 15 साल का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और नतीजा ये हुआ कि हर बार छोटी छोटी आवाजों को कुचलते हुए आगे बढ़ती गई शेख हसीना बड़े जन आंदोलन को संभाल नहीं पाई और उनका तख्ता पलट हो गया। भागकर भारत आ गई और अब भी वो भारत की ही शरण में है। ममता बनर्जी का भी बतौर मुख्यमंत्री ये तीसरा ही कार्यकाल है और इसी तीसरे कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी ने शेख हसीना के सत्ता को पलटते हुए देखा है, लिहाजा वो सतर्क है। और आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुई हत्या के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उन सभी को ममता बनर्जी कुचलने की कोशिश कर रही हैं। तभी तो ममता की पुलिस ममता की पार्टी के ही सांसद सुखेंदु शेखर रे को भी नोटिस जारी कर रही है और सुखेंदु शेखर रे को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। ममता की पुलिस बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के खिलाफ भी केस दर्ज कर रही है। ममता की ही पुलिस बंगाल के दो वरिष्ठ डॉक्टरों, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सरकार और बर्दवान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुवर्ण गोस्वामी को समन जारी कर चुकी है। और भी 200 लोगों को समन जारी किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि ये सब लोग मिलकर आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की वारदात के बारे में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ या कहिए कि अपनी सरकार के खिलाफ उठ रही हर एक आवाज को पुलिस के समन के जरिए कुचलने की कोशिश की है। और ये तो सब महज आवाजें हैं जिन्हें कुचलने की कोशिश हुई है। जानकार बताते हैं कि जिस आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हुई, उस अस्पताल में तोड़फोड़ का मकसद न तो सबूत मिटाना था और न ही किसी गुनहगार को बचाना, बल्कि उस तोड़फोड़ के जरिए ममता बनर्जी उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी जो अस्पताल के सामने भीड़ के रूप में मौजूद था। अब प्रदर्शनकारी भीड़ पर पुलिस लाठियां चला नहीं सकती थी, क्योंकि वो लोग डॉक्टर के खिलाफ हुई हैवानियत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। लिहाजा कोलकाता की पुलिस को बहाना चाहिए था लाठीचार्ज का, और बहाना मिला अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों की शक्ल में, जिसमें टीएमसी के ही लोग मौजूद थे। तो तोड़फोड़ के बाद लाठीचार्ज हुआ और आंदोलन खत्म करने की कोशिश हुई। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री उदयन गुहा ने वो डर जाहिर किया है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। उदयन गुहा ने कहा, जो लोग सोशल मीडिया में ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं और जो लोग उंगली उठाकर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन उंगलियों की पहचान कर उनको तोड़ने का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें नहीं पता हसीना ने जो गलती की, ममता बनर्जी ने वो गलती नहीं की है। अस्पताल में तोड़फोड़ के बावजूद ममता बनर्जी ने गोली नहीं चलाई। इस बयान ने ममता बनर्जी के डर को साफ कर दिया है कि वो हर हाल में अपने खिलाफ उठ रही छोटी से छोटी आवाज को भी तुरंत कुचलना चाहती हैं ताकि विरोधी सुर एकजुट न हो सके। अभी एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर ममता बनर्जी पर सवाल किया तो ममता की पुलिस ने न सिर्फ उसके खिलाफ केस दर्ज किया बल्कि उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अब ममता बनर्जी और उनकी सरकार के निशाने पर सीबीआई और उसकी जांच है, जिसको लेकर सरकार सवाल पूछ रही है कि इतने दिनों में सीबीआई ने क्या किया, जबकि असल गुनहगार को गिरफ्तार करने का काम तो कोलकाता की पुलिस कर ही चुकी है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश की है। संदेश खाली केस को भी ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया, सबने देखा। बंगाल में जब भी अपराध और खास तौर से महिला के खिलाफ हुए अपराध की बात आती है,
तो उम्मीद होती है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद महिला हैं। लेकिन महिलाओं के खिलाफ हुई हर जघन्य वारदात के बाद ममता बनर्जी अपराध के बचाव में कुछ ऐसी दलीलें देती हैं जिससे वो पीड़िता के साथ कम और आरोपी के साथ ज़्यादा खड़ी नज़र आती हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते साल 2012 में कोलकाता के सबसे पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में चलती कार में गैंगरेप होता है। पीड़िता सामने आकर आरोप लगाती है, पुलिस गिरफ्तारियां भी करती है, लेकिन पुलिस टीम को लीड करने वाली कोलकाता पुलिस की जॉइंट पुलिस कमिश्नर दमयंती सेन का ट्रांसफर हो जाता है और खुद ममता बनर्जी वारदात को नकली घटना कहकर खारिज कर देती है। 2013 में कामदुनी में एक 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है और तब भी ममता के पुलिस पर सवालिया निशान लगते हैं। जब विरोध में प्रदर्शन होता है तो ममता बनर्जी उन प्रदर्शनकारियों को लेफ्ट सपोर्टर करार दे देती है। साल 2015 में दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में 15 साल की लड़की से रेप होता है तो भी पुलिस लीपा पोती की कोशिश करती है। और भी कई उदाहरण हैं जहां ममता बनर्जी और उनकी पुलिस महिलाओं के साथ हुए अपराध पर पीड़िता के साथ कम, अपराधियों के साथ ज़्यादा खड़ी नजर आती है, क्योंकि कई बार अपराधी उनकी पार्टी का ही होता है। अभी 2 साल पहले ही तो पश्चिम बंगाल के नादिया में 14 साल की लड़की की मौत हो गई थी, उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद उसे अफेयर करार दिया था। वजह यह थी कि आरोपी टीएमसी नेता का बेटा था। ज्यादा पीछे जाने की क्या जरूरत है, संदेश खाली को ही ले लीजिए। शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने क्या क्या जतन नहीं किए। आखिरकार 55 दिनों के बाद वो पकड़ा गया, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत बेहद भारी पड़ रही है, क्योंकि इस वारदात की आंच बंगाल से निकलकर न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया में फैल गई है। तभी तो पदयात्रा से परहेज करने वाली ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर उतरकर डॉक्टर को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। लेकिन उनकी बात में न्याय की बात कम और खुद की कुर्सी पर खतरा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि आरजी कर अस्पताल की घटना के अभियुक्त को रविवार तक फांसी दे दी जाए। बांग्लादेश की तरह यहाँ मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है, मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। आरजी कर अस्पताल पर हमले के पीछे भी वाम और राम का ही हाथ है। तो ममता बनर्जी कुर्सी बचा रही है और कुर्सी बचाने के लिए अपने खिलाफ उठ रही हर एक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनके साथ उनके मंत्री भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।